फेस्टिवल ऑफ लव इज राइट हियर और हम भी तैयार हैं अपना गिटार लेके आपकी हेल्प करने को। आज हम सीखने वाले हैं तीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स जो तीन अलग अलग बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर्स ने गाए हैं, एंड हो सकता है ये गाने परफॉर्म करके आप अपना वैलेंटाइन डे बहुत ही मेमोरेबल बना ले। एंड प्लीज़ डोंट फील बैड यार, अगर यू डोंट हैव एनीवन, अभी कभी फ्यूचर में तो होगा, तो उसके लिए पहले से यू नो तैयार होने में क्या बुराई है। ठीक है, तो तीन गाने और हमने ट्राई किया है कि जो कॉर्ड्स और जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी से इजी रखा जाए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ये चीज़ प्ले कर पाएं। माई नेम इज अक्षय, दिस इज फ्रंट रो, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। एक छोटी सी बात बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, क्या आपको लगता है कि आप यूट्यूब से परफेक्ट गिटार सीख सकते हैं? अगर हाँ तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरी तरीके से गलत हैं, बट आप पूरी तरीके से सही भी नहीं है। देखिए, जब तक आपके पास कोई टीचर नहीं होगा, वन टू वन मेंटरशिप नहीं होगी कि कोई आपको बता रहा है कि आपकी गलती क्या है, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने आप से या सिर्फ किताबी ज्ञान से अगर चीज़ें हो पाती तो हर डॉक्टर ही या हर इंजीनियर ही द बेस्ट इंजीनियर और बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड होता। तो यूट्यूब भी एक हेल्प के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गिटार सीखना है, अगर आप अपनी हॉबी को लेकर सीरियस हैं, अगर आप इस हॉबी को एज अ करियर लेने की सोच रहे हैं, और अगर आपने प्रॉपरली किसी टीचर को नहीं फॉलो किया है, आप टीचर से नहीं सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए फ्रंट रो पे हम लोग लेते हैं लाइव कोर्सेज, जहाँ पे आप वन टू वन हमसे सीखते हैं, अलग अलग टीचर से सीखते हैं। इवन मेरा भी एक प्रॉपर क्लास है जिसमें आप लोग सीख सकते हैं, हम लोग एक करिकुलम फॉलो करते हैं, तो ये सारा चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। YouTube एक रेफरेंस के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है, बट मेक श्योर यू शुड बी फॉलोइंग सम टीचर टू लर्न प्रॉपरली। तो चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। ये जो पहला गाना है, गाने का नाम है हम नवा मेरे, एंड इट इज संग बाय जुबिन नौटियाल। गाने में जो कॉर्ड मैं यूज करने वाला हूं वो है ई माइनर, डी मेजर, देन सी मेजर। ये तीन ही कॉर्ड है, तो बहुत इजी सॉन्ग हो सकता है। गाने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। देखो, मैं गा पा रहा हूँ तो आप तो गा पाओगे, और अभी आप देख लोगे कि मैं भी एवरेज गा रहा हूँ तो आप तो अच्छा गा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया था, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। ठीक है, यहां तक आप सिंगल स्ट्रम में जा सकते हो। ठीक है, और मेरे को लिरिक्स थोड़ा सा, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद हो बट ठीक है। फिर आगे वाला पार्ट, हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार उनमें मेरे बाकी ना रहा। What I did here, एक तो स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो है डाउन डाउन अप 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 डाउन। ठीक है, पहले सिंगल स्ट्रम था, अब ये स्ट्रमिंग पैटर्न आया। इसमें भी हाफ हाफ हुआ, लाइक पहले कॉर्ड में किया मैंने डाउन डाउन, दूसरे पे अप 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 डाउन, देन सी डाउन डाउन, देन डी अप 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 डाउन। ये हुआ हमारा प्री कोरस वाला पार्ट। अब कोरस पे आते हैं तो इट गोज डायरेक्टली, पूरा पूरा स्ट्रमिंग आएगा एक एक कॉर्ड पे। बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हम नवा मेरे तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तो कंपैरेटिवली इजी सॉन्ग है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो कॉर्ड्स के हिसाब से और गाने के हिसाब से आप बजा पाएंगे। अब नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो भी एक यू नो यंग एज सिंगर का है, दर्शन रावत, एंड द सॉन्ग नेम इज पहली मोहब्बत। ये उनका पहला गाना था एक तरीके से जो प्रॉपरली रिलीज हुआ था और बहुत हिट भी हुआ था। तो जो कॉर्ड हम इस गाने को प्ले करने के लिए यूज करेंगे वो है जी ओपन, सी मेजर, ई माइनर एंड डी मेजर। ये चार कॉर्ड हम लोग इस गाने में यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग इज गोइंग ऑन जी एंड सी। ठीक है, अब अगर स्ट्रमिंग पैटर्न की भी बात करें पहले, तो इट गोज लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन।
मेरा दिन भी तू मेरी जान तू, सॉरी मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी चाहते तेरा नाम ले ये बात तू मान ले, मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी चाहते तेरा नाम ले ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी ही तस्वीर अब वी गो टू द कोरस पार्ट। मेरी पहली मोहब्बत है वो, मेरी पहली मोहब्बत है वो। तो ये भी इजी सॉन्ग है, और देखिए आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन सिंगिंग सॉन्ग्स, बट टू टीच यू येस आई हैव टू यू नो शो यू गाइज कि ठीक है एवरेज गाना आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे आपका सिंगिंग बेटर नहीं होगा। अभी मैं जितना गा पा रहा हूँ मैं इससे भी बुरा गाता था पहले कुछ महीनों तक, बट बिकॉज पिछले 3-4-6 महीनों से आई एम पुशिंग माई सेल्फ कि नहीं ठीक है गाना है तो थिंग्स गेट बेटर। तो द सेम थिंग विल हैपन टू यू, एंड मे बी जिसके लिए आप ये गाना गाओगे वो फील पर ज़्यादा ध्यान देंगे, सुर पर कम देंगे। Now the legend, अरिजीत सिंह का गाना नहीं हो ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो ये जो गाना है गाने का नाम है सोच ना सके, और जो कॉर्ड्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर है जो पिछले वीडियो में हमने सॉरी पिछले गाने में हमने यूज किए हैं, दैट इज जी ई माइनर सी मेजर एंड डी मेजर। ओके स्ट्रमिंग पैटर्न भी सेम है, इट गोज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सिर्फ फर्क इतना है कि इस गाने में जो पेस है स्ट्रमिंग का वो थोड़ा स्लो रहेगा। ओके तेनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सौ बार करा, तू जावे जे मैनु छड़ के मौत दा इंतजार करा। देन कोरस कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता ये तू कभी सोच ना सके। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो थोड़े से एडवांस हैं उनके लिए एक वेरिएशन बजा के दिखा रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो डोंट बॉदर गो विद दीज 4 कॉर्ड्स, बट एक कॉर्ड मैं अभी एक्स्ट्रा यूज करूंगा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। The whole song goes on the same like कुछ भी नहीं है ये जहाँ तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं। It goes the same, ठीक है? तो I hope कि ये जो तीनों गाने हम इस वीडियो में सीखे हैं हम लोगों ने, ये हम अच्छे से प्ले करेंगे और एक कॉन्फिडेंस लेके आएंगे खुद में कि हम चाहे एज अ हॉबी गिटार बजा रहे हैं या करियर के लिए सोच रहे हैं, वी आर डूइंग इट प्रॉपरली एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम सम टीचर और मे बी फ्रॉम फ्रंट रो ऑल्सो। मैं आशा करता हूं कि आज के ये जो तीन गाने हैं आप अच्छे से बजाएंगे और रॉक कर देंगे। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन आपके लिए हमेशा खुली है, नीचे जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, लिंक पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हमारी जो टीम है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगी एंड वी विल मेक श्योर कि आपका लर्निंग में जो भी यू नो हर्डल आ रहा है, आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो दूर किया जाए। विद दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। And you know where to find me. We will meet soon. Tab tak, don't forget to practice.